नमस्कार दोस्तों, लिसन टू योर बॉडी यानी अपने शरीर की बातें सुनो। इस सीरीज में आज हम जिस ऑर्गन के बारे में जानने वाले हैं वो है स्किन यानी हमारी त्वचा। हमारी त्वचा जो है, स्किन जो है, वो हमारे सेंस ऑर्गन है यानी कि हमें त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है और उसी तरह वो हमारा एक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन भी है क्योंकि हमारे अंदर के सारे जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स है वो हमारी स्किन की वजह से प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये हमारे इंडिविजुअलिटी को यानी हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अस्तित्व को प्रोटेक्शन देता है स्किन जो है। और स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है लाइक सोराइसिस है या रैश है स्किन के ऊपर या कोई भी डिफॉर्मेशन है जो स्किन का या स्किन का डल ड्राई ऐसे कई सारे जो स्किन के प्रॉब्लम्स है उनका मेन रीजन तो ये होता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा फियर यानी डर, पुराने कुछ अनफिनिश्ड जो बातें हैं कि जो हमें बहुत डरावनी लगी थी तो उस डर को वो शायद वो बातें खत्म नहीं हो गई हो लेकिन हम उस डर को अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं तो वो स्टोर किया हुआ डर या फिर हमें ऐसे लगना कि कोई तो हमें डरा रहा या किसी की वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला है या फिर लोग हमें डरा रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हमारे साथ कुछ तो भी गलत करने वाले हैं। ये डर अगर हम मन में पालते हैं तो वो हमारे स्किन के टेक्सचर पर, स्किन के हेल्थ पर असर करता है। उसी तरह हम जब खुद को भी डराते रहते हैं बिना वजह, चाहे कोई वजह भी नहीं है फिर भी हम डराते रहते हैं हर छोटी छोटी बात की कैसे होगा, क्या होगा, होगा मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो वो भी हमारे स्किन पर असर डाल। हम जब हमारे खुद की फीलिंग्स जो है, जो हमारी हमें जो महसूस होता है अंदर से, हमें जो अंदर से महसूस होता है उसे भी जब हम रिफ्यूज करते हैं, हम उसे नकारते हैं तो भी हमारे स्किन पर उसका असर दिखाई देता है। छोटे छोटे जो सिंपल डर होते हैं उन्हें हम बहुत बड़ा एक पर्वत बना देते हैं डर का। जैसे कहते हैं ना कि कोई छोटा सा प्रॉब्लम है कि थोड़ी कोशिश करने के बाद वो सॉल्व होने वाला है लेकिन हम उसे इतना बड़ा पर्वत, राई का पर्वत बनाना, इतना बड़ा पर्वत बना देते हैं कि फिर खुद ही हम डरने लगते हैं उससे। तो ये भी एक कारण है कि हमारे स्किन के प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो अगर हम कोई और टेक्निक को यूज करके इन प्रॉब्लम्स में से खुद को बाहर ला सकते हैं, ये सारा डर जो है, ये एंजाइटी है, जो सेल्फ फीलिंग्स का डिनायल है यानी कि अपने फीलिंग्स जो है, मेरे अंदर से जो भी मुझे महसूस हो रहा है उसे नकारना, उसे गलत या बुरा बताना, बोलना, ये सब जब अगर हम निकाल सकते हैं कोई भी टेक्निक यूज करके तो वेल एंड गुड, उसका असर हमारे स्किन पर दिखने लगता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए लुईस ये कुछ अफर्मेशंस बताती है जो कि हमें हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए काम आते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है फिर भी अगर हम इन अफर्मेशंस को कंटिन्यूअसली लेते हैं तो उसका हमारे स्किन पर बहुत अच्छा असर दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या अफर्मेशंस है। और जैसे कि आपको पता है कि अफर्मेशंस आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी अफर्मेशन स्किन के प्रॉब्लम के लिए लुईस ने बताती है। मैं अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण तरीके से जीती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में सबसे जो बेस्ट है वो डिजर्व करती हूँ और मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। हर बढ़िया चीज को जिंदगी में पाने के लिए मैं लायक हूँ और मैं उन चीजों को आसानी से, सहजता से स्वीकार करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप में सुरक्षित हूँ। मैं अपने आप को बड़े प्यार से प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं हमेशा खुशी और शांति के ही विचारों को दिमाग में रखती हूँ। मैंने अपने भूतकाल को यानी पास्ट को माफ कर दिया है और मैं उसे पूरी तरह भूल चुकी हूँ। मैं इस पल में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों ये थे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अफर्मेशंस। आप इन्हें ले सकते हैं
और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं या फिर आपको लगता है किसी को जरूरत है इसकी, तो आप इन्हें उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।